राधे राधे दगड़ियो, जो सुकून गांव की सुबह में होता है ना, मतलब पहाड़ों की सुबह में जो सुकून जो शांति होती है ना, शायद ही ऐसा कहीं होता होगा। 7 बजने वाले हैं और अभी अभी निकली है धूप। वाह, मज़ा ही आ जाता है सुबह का मौसम देखकर। अपने आप को मैं काफ़ी खुशकिस्मत समझता हूँ। किस लिए? इसलिए कि ऐसी सुबह देखने का सौभाग्य केवल हमको प्राप्त हुआ है। जो लोग शहरों में रहते होंगे शायद ही वो ऐसी सुबह का आनंद उठा पाते होंगे। गजब का मौसम हो रहा है अभी फिलहाल। आज 1 मार्च है और 6, 7, 8, हाँ 6 तारीख से हमारे वहाँ होली शुरू हो जाएगी। और अभी करते हैं अपने सुबह के सारे ज़रूरी काम, फिर चलेंगे दुकान की तरफ को। और भी ब्लॉग में जो भी होगा आगे देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं फिर। प्रभात दगड़ियों, 8 बजने वाले हैं और अब जाके शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। शुरू कर लेते हैं फिर पहले। हेलो मित्र, सब लोग ने का पहला पड़ा हुआ नमस्कार, स्वागत है मेरे को नई ब्लॉग में। होप तुम सब ठीक होने लगा बोले एकदम। साढ़े 11 होने वाले हैं दोस्तों और अभी अभी अचानक प्लान बनाया है गंगोली आड़ जाने का। एक्चुअली थोड़ा सा काम है वहाँ पे, अचानक अभी पापा ने बोला जा यार जा क्या, मैं तो साफ सफाई में था, ऐसी हालत हो रही थी। मैंने सोचा चलते हैं गंगोली आड़, इसी बहाने आपको कुछ ब्लॉग में फ्रेशनेस भी देखने को मिलेगी। नहीं तो आजकल दिन भर जो है कहीं जाना नहीं हो पा रहा था। फिलहाल चलते हैं अब गंगोली आड़ को। जंपक है मेरे साथ, मेरे सफ़र की हम सफ़र। और मौसम भी अभी ना आज बादलों ने घेर दिया है अभी मौसम, धूप मतलब बिल्कुल छिप गई है बादलों के बीच। फिलहाल आपको देते हैं एक मौसम का अपडेट। ये देखिए पूरा बादल ने घेर दिया, सूरज देवता यहाँ छिप गए हैं अभी। कुछ ऐसा हो रहा है फिलहाल मौसम। निकलता हूँ अब मैं भी गंगोली हाट को। वो ट्रक आ रही है, फटाफट चलते हैं, फिर पास लेना मुश्किल हो जाएगा इस रोड। जिस दिन रैली में आया था उस दिन बांधा था ये मैंने, उस दिन से पता रह गया है बिल्कुल। ठंडा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, नहीं तो गर्मी होने लगी थी। तो भूली गाँव क्रॉस कर लिया है। आज मैं अपने नए हेलमेट के साथ निकला हूँ, पापा लेके आए हैं परसों पिथौरागढ़ से। ये हेलमेट अच्छा है, फ्लेक्सिबल। अब इसके लिए मैंने एक वो लेना है मोबाइल होल्डर। खैर यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है गंगोली आर्ट में, पता किया था मैंने। अब कभी पिथौरागढ़ या हल्द्वानी जाना होगा तो एक मोबाइल होल्डर भी दिलाना है, जिससे फिर फोटो ब्लॉग देखने को मिलेंगे आपको जल्दी ही। मैं जब से सोच रहा था कि हेलमेट लूँगा हेलमेट लूँगा, फिर परसों पापा ला ही गए। तो जरमाल गाँव पहुँचने वाला हूँ, चलते हैं आगे को। बाकी बातें तो होती रहेंगी, तब तक आप जो है वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा ही देना। फिर चौकी के पास आ गया हूँ मैं। अब यहाँ से थोड़ा सा पहले पेट्रोल पंप से डालना है मैंने तेल, क्योंकि तेल भी कम है गाड़ी में, उसके बाद चलूँगा गंगोली आड़ को। गंगोली आड़ पहुँचते ही मिले अपने मनिया भाई, आज पहली बार शायद ब्लॉग में आ रहे हैं तो काफी अच्छा लगा। काफी बिग फैन है मेरे, बिग फैन, बहुत मिले पहले शुरुआत से, काफी पुराने फैन है, काफी पुराने, मुलाकात का समय तो ऐसे होता है, कम मिलता है। चलते हैं अब अपना काम निपटाते हैं पहले फटाफट। तो यूनियन में तो अपना काम हुआ नहीं, अब देखते हैं SBI में होता है या नहीं होता है। चलते हैं अंदर, ATM में तो बहुत भीड़ है। बुरसुम का धनिया गंगोली आट पहुंच चुका है। हम पहुंचे अभी के भाई के होटल में, वहाँ पे तो काम हुआ नहीं मेरा ATM में। तो के भाई के होटल में मिले हमें मशहूर सिंगर, हमारे लोकल सिंगर, आज दोनों भाइयों की जोड़ी यार से, हम बुबू को भी बुंदी कहते हैं, इनका नाम भी बुंदी लाल जी है। दोनों भाई, हेलो बुबू, कैसा चिता रहे हो? आज दोनों भाई मिले हैं, एक हो जाए फिर कोई। आओ आओ बैठो,
बैठो पावर पॉइंट जाए ना ना इधर बैठो नहीं, अरे समाज में होता है सामाजिक कार्य है, एक हो जाए चलो। ओ मिजू अरे बैठो ना आप ही बैठो इधर, ये दोनों भाइयों की जोड़ी, तुम खाली हो दिया भाग बैठ ये फिर बैठो ना, शर्मा क्यों रहे हो, शर्मा चलो। गरीब नगरिनी बलिया उधार अगला गो फंगफुल कच्ची को जार खनन गो पुल सरकारी खरन गुल सरकारी दार लुआ का पदे बजा पितली वो तार घर बार हरियो मेर बर बाद तू मत मकई छोड़ी फेरो लगड़ो पाका फेरो लगड़ो पाका फेरो मकई छोड़ी फेरो तू मत मकड़ी छोड़ी लगड़ा पाका बेरो मकड़ी छोड़ी बेरो तू मत कटिले कटिले बैठो लाइयो तेरी माया की मेरी माया की कल ये रिकॉर्डिंग हुआ है। तेरी माया की मेरी माया की काई की ना की भी आज जो है मोदी जी के पैसे आए हैं किसान मिले, उसके लिए हमारे सब जो बुजुर्ग लोग हैं वो पैसे निकाल नहीं पहुंचे हैं, बुबू भी पहुंचे निकल जाने को पैसे तो गंगोली हाट में दो बैंक है, दोनों में से किसी में काम नहीं हो पाया। अब जा रहा हूँ मैं दसाई थल की तरफ, वहाँ पे भी एक बैंक है, देखते हैं वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, अगर काम बन जाता है तो फटाफट निकला जाएगा घर को। के शायद हो जाएगा मेरा काम, देखते हैं कैसा है, तो बता रहे हैं एटीएम में जाके देखते हैं अंदर। फाइनली एक बजने वाले हैं और अब जाके काम मेरा बैंक का हो गया है, अब थोड़ा सा मार्केट का काम है वो भी निपटाते हैं फिर निकलते हैं घर की तरफ को। बाजार आने के बाद थोड़ा सा होली का सामान और लेना है मैंने। 3 बजने वाले हैं, काम फिलहाल निपट ही गए हैं, अब किसी से मिलना है मेरे को, ले चलते हैं आपको भी, चलते हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं जो बात कर रहा था ना कि किसी से मिलाना है, परसों ऐसे ही कमेंट आई थी कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, फिर मैंने देखा तो यार कहाँ के हैं क्या हैं, तो वो निकले हमारे गंगोली हाट के। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मिल जाते हैं ना यूट्यूबर और बुलाते हैं हमसे मीटअप करना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। इनकी खैर यहाँ पे जो है कॉस्मेटिक और ये गिफ्ट सेंटर है, दिखा देते हैं पहले। मुझे सबसे प्यारा क्या लगा बताऊँ, मिजात चुनी गैलरी, हाय हाय रे, तो ये सब कुछ है, मिलवाते हैं को पक्का दिखाना। बिल्कुल, तो मिलिए हमारे मुन्नी पपोला जी से, इनका छोटा सा चैनल है अभी, मतलब अभी शुरुआत की हुई है। कौन सी वीडियो थी वो जिसमें सब्जियां सस्ती हो रही थी बोल रहे, वो वीडियो मेरे को ये नजर आया, मैंने बोला आप गंगोली आड़ जाऊंगा तो जहाँ पे मेरे को मिजाज दिखेगा वह वही दुकान मिल जाएगी। तो इनका चैनल है मुन्नी पपोला के नाम से, मुन्नी पपोला करके अभी शुरुआत ही हो रही है मेरी भी, ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन सोच रही हूँ करने की। बिल्कुल सोचिए, मैं तो सोच रहा हूँ कोई तो आए कोई तो निकले, मतलब लड़के जो आ जाते हैं, पर एक हाउसवाइफ का यूट्यूब में आना आपके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हाँ। तो आप भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा हमारे मुन्नी पपोला जी के चैनल में।
और बाकी दुकान की बात करूं तो गिफ्ट सेंटर और कॉस्मेटिक सब कुछ मिल जाएगा शादी विवाह के लिए। हाँ, काफी कुछ बातें हुई अभी हम लोगों के बीच, थोड़ा बहुत इनको बताया कि मैंने ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज पहली बार हमारे ब्लॉग में आके, आप कैसा चिता रहे हैं? बहुत अच्छा चिताया मैंने भी, बहुत अच्छा लगा। अचानक से ही यहाँ पर आए, मुझे तो लगा था कोई और है शायद, जैसे इन्होंने ये उतारा तो तब लगा मुझे ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इनके ब्लॉग देखती रहती हूँ और बहुत अच्छे लगे। मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाए ब्लॉग इनके, फर्स्ट से लेके जितने ब्लॉग बनाए मैंने सारे देखे। वो जब जैसे मुझे पता चला कि हमारे यहाँ से सीधे पहाड़ से चैनल चल रहा है तो मैंने सब देखा। मैं अभी भी दिखा रही थी, बहुत अच्छे लगे मेरे को इनके वो। तो प्लीज इनको सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं कर रखा है, और इनकी वीडियो पक्का देखना। मुझे तो किया है और इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी काफी अच्छा लगा इनसे मिलके, और आप भी इनकी वीडियो देख सकते हैं। अभी शुरुआत है, मतलब स्टार्टिंग की है चैनल की। होप कि ये भी काफी आगे बढ़े, जल्दी बढ़े, धीरे धीरे बढ़ने में मजा नहीं आता ना, जल्दी आगे बढ़ने में काफी मजा आता है। फिर वीडियो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, अंदर से हिम्मत आती रहती है, फिर आपको जो है बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखेंगे वीडियो में। फिलहाल अब जाने की तैयारी है मेरी भी। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, होप कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। अब जाके कार में पहुंचा है मेरा घर की तरफ को, छिनीधार में पहुंचा हूं मैं अभी। और यहां पे एक रील शूट कर रहे हैं आज हम सरू छूट जाली रोडवेज वाली। अगर रील देखनी है तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें। मेरे साथ आए हुए हैं अभी, देखो ये पीछे सागर जी हैं, सागर जी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो। और आज राजू दाई भी आए हैं हमारे साथ, रील बनाने को पहुंचे थे। मैं जरमाल गांव था, मैंने फोन कर दिया था इन लोगों के लिए कि आ जाओ ऊपर को, अब चलते हैं। रील कंप्लीट हो गई है, शाम को ही मिलते हैं। 8:30 होने वाले हैं और अब जाके मुलाकात हो रही है। पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, होली होली गाते हैं अब थोड़ा सा। बाकी अभी लड़के होने वाले हैं, अभी केवल सोनू पहुंचा, चश्मा वश्मा पहन के। क्या बात है, बढ़िया नहीं यार अरब खरब सब ज्वाला बरस नर को झूलो है निशान लाला। अच्छा हाथी प्रमाण को गोला बरस शून्य प्रमाण को धारा लाला। अच्छा छप छप होली होली से जाना खटियन में, खीर से जाना खटियन में। अरे घुसा रे रे घुसा। तो आज कुछ ज्यादा शूट नहीं किया मैंने, होली में 3-4 होली लगाई हमने। अब 10 बजने वाले हैं, अब घर जाने की तैयारी है। आज हमारे तुलबू भी पहुंचे थे, कल तो नहीं आए, आज आए थे। रोज आया करो ना तुलबू ऐसे ही। अब वीडियो को भी समाप्त करने का समय आ गया है। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, और आज काफी बिजी डे रहा। खैर मिलते हैं आप कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता।